भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था और इसका विक्रम लैंडर 14 दिनों के बाद साइलेंट मोड पर चला गया था, लेकिन आज वो तारीख एक बार फिर से आ गई है जिसका सभी लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था। सभी लोग 22 सितंबर के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस दिन विक्रम लैंडर एक बार फिर से जागने वाला था। आखिर ये जाग पाया है या नहीं और ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इस सब के बारे में लोगों के मन में काफी जिज्ञासा भी है, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये तो हम जानते हैं कि चांद पर 14 दिनों तक सूर्य रहता है और 14 दिनों तक यहाँ पर अंधेरा रहता है। ऐसे में विक्रम लैंडर को 14 दिनों के बाद फिर से जगा पाना काफी मुश्किल भरा कार्य है, क्योंकि चांद पर -250 डिग्री तक तापमान रहता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से विक्रम लैंडर का कार्य करना काफी मुश्किल भरा माना जा रहा था। ऐसे में वैज्ञानिकों में ये डर भी बना हुआ है कि क्या विक्रम लैंडर सही तरीके से दोबारा से कार्य कर पाएगा या फिर ये उठ ही नहीं पाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि चंद्रयान 3 को अभी सुला दिया गया है और इसे 22 सितंबर होने के बाद दोबारा से जगाने का प्रयास किया जाएगा। अब वो घड़ी फिर से आ गई है जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को रेडियो सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है। आज के दिन का करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि 22 सितंबर का वो दिन है जो कि भारतवासियों के लिए काफी खास होने वाला था। इसके पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर को रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था और उन्होंने बताया था कि इसे 14 दिनों के बाद ही दोबारा से जगाया जाएगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब आने वाले 14 दिनों तक सिर्फ अंधेरा ही रहेगा और यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाएगी। ऐसे में विक्रम लैंडर का कार्य कर पाना मुश्किल है। इसके पहले चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 10 दिनों तक एक्सपेरिमेंट किया था, वहीं विक्रम लैंडर ने चांद पर लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक जगह खड़े रहकर कार्य किया था, जहां पर उसने चांद की धरती का तापमान, प्लाज्मा रेडिएशन और भूकंप के बारे में भी जानकारियां एकत्रित की थी और वहां से इसरो के वैज्ञानिकों तक भेजी थी। वहीं 10 दिनों के इस एक्सपेरिमेंट में चांद के बारे में कई तरह की जानकारियां भी मिली और कई तरह की खोज भी की है। इसके साथ ही इसने ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे अन्य तत्वों के मौजूद होने की भी खोज की है। वही चंद्रयान 3 का एक और सबसे बड़ा मकसद ये था कि चांद पर पानी की उपलब्धता है या नहीं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर पानी को नहीं ढूंढ पाया था क्योंकि इन्हें चांद की सतह पर लगभग 14 दिनों तक काम करना था, लेकिन इसने सिर्फ 10 दिनों तक ही काम किया था और इस समय ये विक्रम लैंडर से 105 मीटर की दूरी पर मौजूद है और इसे लगभग 500 मीटर की दूरी पर जाकर रिसर्च करना था। हालांकि अब 22 सितंबर का वो दिन आ चुका है और चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक बार फिर से सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर पड़ना शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस समय विक्रम लैंडर जाग चुका होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा अभी नहीं हुआ है। दरअसल इस समय भी विक्रम लैंडर स्लीप मोड में नजर आ रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले बताया था कि 22 सितंबर को चंद्रयान 3 द्वारा सिग्नल भेजे जाएंगे। यदि चांद पर लैंडर -250 डिग्री सेल्सियस में भी सही सलामत होगा और वो कार्य करने की स्थिति में होगा तो वो खुद ही हमारे पास सिग्नल भेजेगा। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जब सुलाया गया था तब उनके कुछ सर्किट को जगते रहने का निर्देश दिया गया था ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजे जाने वाला मैसेज रिसीव कर लें। इसलिए इसरो इस समय लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से इस समय किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल कर लेंगे वो खुद ब खुद जाग जाएंगे, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस यहाँ से उन पर नजर रखनी है, हमारे पास अभी 13 से 14 दिन बाकी हैं। ऐसे में दोस्तों अभी भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन दिनों में किसी भी दिन विक्रम और प्रज्ञान से अच्छी खबर आ सकती है। सूरज के ढलने यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से अंधेरा होने से पहले खुशखबरी मिल सकती है। इससे ठीक पहले 22 सितंबर 2023 को अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने बताया था कि इसरो चंद्रयान 3 को यानी लैंडर रोवर को 23 सितंबर को जगाने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय है, ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक
वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। यहाँ पर एक और कारण सामने आ रहा है जो वैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि इस समय विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहाँ पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी कि सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। वहीं 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि जैसे ही और अधिक रोशनी में लैंडर आता है तो इसके जागने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान सामान्य हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास फिर से जारी है। वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर की रात को ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था और उन्होंने इसके बारे में ट्वीट कर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देकर ये भी बताया कि अब हम विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ये बात तो तय है कि अभी तक विक्रम से इस समय कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सिग्नल को रिसीव करके चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास भेजता है। इस तरह से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये भी पता लगाया है कि चांद के ऊपरी सतह का तापमान और भीतरी सतह का तापमान में काफी ज्यादा अंतर भी पाया जाता है। जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर रिसर्च कर रहे थे उस समय चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब वो काफी बढ़ चुका है। ऐसे में कुछ मुश्किलें भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 के लैंडर को एक बार फिर से जागने के लिए फिर से लोगों की दुआओं की भी जरूरत है, क्योंकि इस समय वैज्ञानिक संपर्क करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी भी चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों में डर और चिंता का माहौल भी छाया हुआ है कि क्या चंद्रयान 3 एक बार फिर से जागेगा या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर एक बार फिर से जग जाए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। ऐसे में अगर लैंडर एक बार फिर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा, कई सारे एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू हो सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से जुड़ी पूरी जानकारी। आपके अनुसार विक्रम लैंडर एक बार फिर से जाग उठेगा या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके।